लिए, कभी अपनी ड्रेसिंग के लिए जानी जाती है। एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं, लखनऊ में मतदान हो रहे हैं, तो फिर एक बार रीना जी चर्चा में है। रीना जी हमारे साथ हैं, आपकी मोहनलालगंज में ड्यूटी लगी है और अपने ड्रेसिंग के लिए आप जानी जाती हैं। थैंक यू सो मच कि हमारे ड्रेसिंग के लिए लोग जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप हैं, और चूंकि ड्रेसिंग की चर्चा पिछली बार भी जब आप लोग पीडब्ल्यूडी तब भी हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं? रही बात ड्रेसिंग की, तो हम तो फैशन फॉलो करते हैं, जैसा समझ में आता है वैसा करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोग वायरल करते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी, प्लीज भारी से भारी मात्रा में अपने वोट का प्रयोग करें और याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। देखिए ये अपील तो हम भी कर रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, ज्यादा परसेंटेज वोटिंग का बढ़े। जब आप बूथ पर जाती हैं तो लोग भीड़ लग जाती है आपके साथ सेल्फी लेने के लिए, कभी पीली साड़ी को लेकर, कभी आपके फैशन ड्रेस को लेकर। हाँ, काफी सारे लोगों ने सेल्फी लिया, लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, तो कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बहुत परेशानी भी होती है मुझे। तो लखनऊ में मतदान हो रहा है, तो मतदान केंद्र पर लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप मतदान केंद्र पर एक बार फिर चर्चा का विषय बनेंगी और भीड़ भी लगती है आपको देखकर। हाँ, मेरी अपील रहेगी कि प्लीज भारी से भारी मात्रा में अपने साथ साथ अपने लोगों को भी लेकर आए मतदान केंद्र पे, वोटिंग करें और दूसरों को भी वोटिंग के लिए प्रेरित करें। आधी आबादी की बात होती है और आप भी महिला हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हर स्थिति में खुद को पॉजिटिव रखें, अपने काम के प्रति जागरूक रहें, ध्यान दें, किसी भी नेगेटिव पक्ष पे ध्यान न दें और खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वोट भी करें, कितनी संख्या में महिलाएं ज्यादा संख्या में वोट करें? महिलाएं हमेशा ही भारी संख्या में वोट करती हैं, हर क्षेत्र में आगे रहती है, मेरा पूरा विश्वास है इसमें भी आगे रहेंगी। लखनऊ नंबर वन रहेगा? नंबर वन था, है और रहेगा। आपके बूथ पर 100% 100% 100%। तो देखिए ये रीना जी थी जिनका कहना है कि हम फैशन को फॉलो करते हैं, कभी पीली साड़ी कभी ड्रेसिंग को लेकर वो चर्चा में रहती हैं। उनका कहना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और इसमें भी बगैर टेंशन के आगे हो, 100% मतदान करें, जहां जाती हैं लोग सेल्फी लेते हैं, अपनी ड्रेसिंग के लिए जाने जाते हैं। और एक बार फिर ये सुर्खियों में, ब्यूरो जर्नलिस्ट हमारे साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।